गाइस, गाने के मूड में नहीं हूँ मैं, बट आज गाना गाने का दिल कर रहा है क्योंकि आज है वुमेन्स डे, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज तो हमारा दिन है, बेशक सबको मानना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम वुमेन्स जो है ना, हमारा पावर ही कुछ और होता है, और हम सबको वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का ये मौका मिलता है। तो आज वुमेन्स डे है, तो सबको, सारी महिलाओं को, सारे वुमेन्स को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत मुबारकबाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। तो मैं उषमा, जैसा कि आप सबको जानते हैं, और मेरी ब्लॉगिंग बस अभी से शुरू हो रही है, तो आज तो ब्लॉग बनाना लाजमी था। बेशक मैंने स्टार्ट किया अभी से, लेट से, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको आज एंटरटेन कर पाऊँ, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सेलिब्रेशन कुछ खास नहीं होने वाली, बट आप लोगों के साथ बात करके वो और भी खास होने जाने वाला है। तो सो गाइस, आप लोग कैसा सेलिब्रेट कर रहे हो? सारी सब कुछ ना कुछ तो खास करते होंगे। वैसे तो हमारे लिए कोई खास दिन नहीं होता, लेकिन हम लोग चाहें तो हर दिन खास बना सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हाँ, इस दिन हमारा दिन होता है, तो हम लोग खुशी से और अच्छे से सेलिब्रेट करें तो अच्छा लगता है। तो गाइस, आज मैंने साड़ी वेयर की है, ये देखिए, पता नहीं क्यों मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, बट मैंने कोशिश करी है। और ये सुजैन देखिए क्या कर रही है। हे सुजैन, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? मेकिंग द क्या कर रहे हो? तुम्हें सेलिब्रेट करो वुमेन्स डे, एंड चलो हैप्पी वुमेन्स डे बोल दो। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो सो गाइस, बने रहे मेरे पूरे ब्लॉग में, और मैं कुछ आज दिखाने वाली नहीं हूँ, ना कि आपको किचन में लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं बस आपके साथ बातें करने वाली हूँ, तो ढेर सारी बातें होंगी अभी। तो बने रहे मेरे पूरे ब्लॉग में, और बताइए कि मैं आपसे आपको और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सब, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर अपने फीडबैक दें। तो गाइस, अभी ढेर सारी बातें होती हैं, और मैं बहुत कुछ आपको बताना चाहती हूँ, तो बने रहिए मेरे पूरे वीडियो में। थैंक यू। कैसा रहा आप सबका दिन आज? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मेरे लिए तो कुछ खास नहीं रहा, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि वो खास हो जाए, और मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। और ये देखिए मेरी बालकनी, मेरी फेवरेट जगह, और मैं यहीं से शूट कर रही हूँ अपना ब्लॉग, और आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करनी है। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। और मुझे देखना होता है कि कुछ खास भी याद आ रहा है, पता नहीं क्या, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कहते हैं ना कि आप में जज्बा हो, आप में पैशन हो, और आप में हिम्मत हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो वुमेन्स की जो पावर होता है ना, वुमेन्स का, वो किसी से भी नहीं छुपा है कि हम औरतें कितनी मजबूत होती हैं, कितनी ताकतवर होती हैं, और सब कुछ मैनेज करके रखना जानती हैं। तो इस वजह से आज एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है मुझे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो बस इस चीज़ को आप अपने ज़िंदगी में शामिल करो, लेकर चलो, और देखो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मुश्किलात तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है, लेकिन आपको बहुत पेशेंस रखना होता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन एक औरत होती है ना, वो सारा कुछ सह कर भी, सारा कुछ सहन करके भी अपने आप को बिल्कुल मजबूत रखती है, बहुत कुछ अपने अंदर छुपा के वो बहुत सहती है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी बोलना चाहूँगी कि जो लोग एक औरत को ना बहुत कमज़ोर समझते हैं, बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये नहीं जानते कि एक औरत जो होती है ना,
उनसे ज़िंदगी का वजूद मिलता है। हर इंसान का वजूद जो होता है ना कहीं से ज़रूर रिलेटेड होता है एक औरत के साथ। और एक औरत चाहे तो ज़िंदगी बना दे या बिगाड़ दे, लेकिन जहाँ तक होता है एक औरत जिंदगियाँ बनाती ही है। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको अपने ज़िंदगी में सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना होता है, लेकिन फिर भी एक औरत सब कुछ सहते हुए भी, सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी खुद को कमज़ोर नहीं बनाती हैं, खुद को बहुत। सो गाइज, आज के दिन मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ। अभी हाल में ही जैसा कि सुसाइड का सिलसिला जारी है, लेकिन एक लड़की जो थी वो आयशा, जो अहमदाबाद की रहने वाली थी, जिस वजह से भी उसने सुसाइड किया वो बहुत गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानती हूँ कि एक औरत बर्दाश्त से जब बाहर हो जाता है तभी वो ऐसा कदम उठाती है, लेकिन फिर भी उसने जो किया ना वो गलत किया। वो उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए हमें जो कि हमारी परवाह नहीं करते, जो कि हमारे लिए नहीं सोचते, तो फिर हम उनके लिए क्यों सोचें और क्यों उनके लिए अपने आप को तकलीफ़ दे, खुद को तकलीफ़ दे। तो आयशा ने जो किया ना सुसाइड, जो लाइव उसने जो आकर सारा कुछ अपना जो दिल में था उसके जो सबको बताया, उसके बाद उसने साबरमती में डूबकर अपनी जान दे दी, तो ये गलत था। हालांकि उसने फ़ोन पे अपने फैमिली से, अपने पापा अपनी मम्मा से बात भी की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस जगह पे आके उसने गलत किया। मैं जानती हूँ कि उस वक्त दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता जब आप, लेकिन एक औरत को जाना ही जाता है कि वो आप सहन की हद पार हो जाती तभी वो ऐसा कदम उठाती। लेकिन फिर भी आप पढ़े लिखे थे, आपने आप एक अच्छे पोस्ट पे जॉब भी कर रहे थे, और आपने ये गलत कदम उठाया। आपके पापा मम्मी हज़ार बार मना भी किया, कसमें भी दी, लेकिन फिर भी आपने ये सारी जो भी किया उस आयशा ने वो बिल्कुल गलत था। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इतफाक रखती हूँ कि एग्री हूँ कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके जाने के बाद जो उनसे जुड़े लोग थे उन्हें कैसी तकलीफ हो रही है वो जानते हैं। काश कि उसने ये लड़ाई मौत से नहीं, ज़िंदगी से नहीं लड़ी होती, उसने ज़िंदा रह के इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ी लिखी थी तो उसे ये समझना ज़रूरी था कि उसने यह काम बिल्कुल गलत किया। तो कहीं ना कहीं से आज हम वुमेंस डे मना रहे हैं, लेकिन हम औरतों को वो हक़ नहीं दिया गया कि हम हमारी मर्ज़ी से हम कोई भी चीज़ कर सके। लेकिन अभी तो ये सिचुएशन कोई भी होती, लेकिन उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए था। वो अपने पीछे जिन्हें छोड़ गई है वो उन लोगों से जाकर पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही है, उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है। जो उसका जो हस्बैंड पे उसने जो भी कहा वो बेशक वो ज़िंदा रह के ये लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन मौत के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स जो है, जो उसके पापा मम्मा भाई बहन जो भी है, उन्हें लड़ना होगा ये चीज़। तो ये गलत था, उसका ये फैसला बिल्कुल गलत था। हम लोग आयशा के साथ, हमारी सहानुभूति है, सिंपैथी है, लेकिन उसने जीते जी ये कदम उसे उठाना चाहिए था। जीते जी वो लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन उसने मौत को गले लगा कर ये बिल्कुल अपने आप को ख़त्म कर देना कहीं से भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन ये गलत था, उसने गलत किया। वो बिल्कुल चाहती तो वो ज़िंदा रह के ये लड़ाई लड़ सकती थी और हम सबको बता सकती थी, और हम उसके साथ होते, हम सारे जो सच को मानने वाले हैं, जो हकीकत जानते, तो वो सारी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ सकते थे उसके साथ। लेकिन उसने ये गलत किया, बहुत हद तक गलत किया, और अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो उसके जाने के बाद जो उसके पीछे रह गए हैं उन लोगों की हालत पता नहीं कैसी होगी। इंशाल्लाह दुआ करूँगी कि सारे लोग इस दुख की घड़ी में बिल्कुल हिम्मत से काम लें, और आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए
जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल। और मैं आने वाले हर औरत से और ख़ुद से भी ये कहना चाहूँगी कि हमें किसी भी हालत में अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए और सुसाइड जैसा घिनौना काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों से बातें करें, आप खुद से ये फैसला ना करें कि हमें क्या करना चाहिए नहीं करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके अपने हैं जो आपको नहीं मानता उनकी केयर नहीं करें, लेकिन जो आपके अपने हैं उनसे डिस्कस करें, उनसे बातें करें और तभी जाकर कोई फैसला लें। तो मेरी तो हर लड़की से, हर औरत से, हर किसी से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप सब ये सब बहुत सोच समझ कर कोई भी कदम उठाएं। सो गाइस, खुशी तो होती है कि हम औरत के रूप में हम लोगों ने इस दुनिया में जन्म लिया है, लेकिन ये दुख भी है कि आज भी हमारी मानसिकता, हमारी मेंटालिटी बिल्कुल औरत के लिए बिल्कुल अभी तक नहीं सुधरी है। इसे सुधारना होगा, इसे अच्छे लेवल तक लेके जाना होगा और बहुत कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम सबको मिलकर करना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसे कोई आयशा इस तरह से अपने आप को ख़त्म ना करे और हर बेटी, हर औरत अपनी जगह पे बहुत मायने रखती है। तो प्लीज़ सबका ख्याल रखें और ख़ुद का भी ख्याल रखें, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। सो गाइस, खैर ये बातें तो होती रहेंगी लेकिन आयशा को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सब उसके साथ हैं और उसके फैमिली के साथ भी हैं, तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो दोषी हैं। तो गाइस अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। और वुमेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। तो वैलेंटाइंस डे डे आपका फेवरेट क्या गिफ्ट लाओ? चिकन रोल। ओह माय गॉड, तो सुजैन आज मुझे दे रही है चिकन रोल, पता नहीं कहाँ से लाई है। और थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग गिफ्ट। सो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ आप सबके लिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरा अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मैं मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर आप जरूर से जरूर कमेंट वाचिंग माय वीडियो। एंड गाइस आप कमेंट करो कि मैं आपको लोगों को अच्छी लगती हूँ कि नहीं। तुम बहुत बदमाश लगते हो, बहुत शैतानी करते हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गाइस आप प्लीज आप तो बताना कि मैं अच्छी लगती हूँ कि मैं अच्छी लगती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा ब्लॉग चलता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप कमेंट में जरूर लिखना आपको मम्मा अच्छी लगती है कि मैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय। सो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। सुजैन के शोर ने मेरा बिल्कुल झंझना सा गया माता। सो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक दीजिए मुझे इजाज़त नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू। सो गाइज अभी मैं खा रही हूँ ये चिकन रोल। सो सुजैन सुजैन आ जाओ इधर, खाना है? नहीं खाना है?